Hello guys, my name is Rohit Suthar and welcome to my channel Rohit Chemistry. So आज इन इस वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्लीज वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा. आपके सारे कंसेप्ट जो है, सारे डाउट जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये जो टॉपिक है वो हिट्रोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता है. अब देखिए, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं. अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करूं तो बेसिक से अपन कह सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन जो है वो कैटेनेशन के थ्रू अपने आप से बाइंड करके इस तरह से एक तरह की साइकिल डेवलप करता है और इसको अपन साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. अब जो ये साइक्लिक कंपाउंड है कार्बन वाला, वो मिनिमम तीन कार्बन से आपका बनता है, साइक्लोप्रोपेन टाइप का, यू नो. अच्छा, अब उस साइकिल में मान लो एक कार्बन की जगह अपन कोई दूसरा एटम ला दे, है ना. लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा दो, सपोज मेरे पास में कोई फाइव मेंबर साइक्लोपेंटेन या कुछ इस तरह से ये आपका था, है ना. इसमें थोड़ा सा मैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर लेता ताकि आपको एक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन सा है, ठीक है. अब इसकी वैलेंसी क्लियर कर दो. चलो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, यहाँ पे जो है CH2 आ जाएगा, ठीक है. एक तरह का ये फाइव मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है. इसी तरह से मान लो अगर मैं सिक्स मेंबर लेता हूं, सेम चीज लाइक बेंजीन ले लिया, क्लियर. लाइक अपन ने बेंजीन ले लिया इस तरह. देखिए वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा. अपन ने बेंजीन ले लिया इस तरह से, वैलेंसी क्लियर कर, तो सबके पास में एक हाइड्रोजन जो है वो आ जाता है. ये भी एक तरह के क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है. ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है. अच्छा, अब इस साइक्लिक कंपाउंड में क्या करना है कि मान लो किसी एक कार्बन की जगह जो है अगर अपन डाल दें नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन, मिनिमम मैक्सिमम दो भी हो सकता है. मान लो कम से कम अगर एक कार्बन को हटा करके उसकी जगह नाइट्रोजन आ गया है, उसकी जगह सल्फर आ गया है, उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया, तो जो ये कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड तो रहेंगे बट हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कार्बन जो है ना वो हेट्रो आ जाएगा. हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, हेट्रो, ये देखो दो टर्म होते हैं, होमो और हेट्रो. आपने वो सॉल्यूशन में पढ़ा होगा ना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वन फेज एंड टू फेज, लाइक, है ना. तो देखो केमिस्ट्री में जो टर्म होते हैं ना, होमो का मतलब होता है सेम सेम और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग. तो ये दोनों होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का मतलब है जो भी साइकिल प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे एक जैसे है ना, इसलिए होमो हो गया. अब इसमें कोई किसी भी टाइप का चेंजेस आ गया, जैसे इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह मैंने डाल दिया, जैसे मान लो नाइट्रोजन डाल दिया. अच्छा, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया. वैलेंसी देख लो, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, वन टू, यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे फाइव होता है. अब ये तो है होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक. अब इसमें भी अगर आप देखें तो मान लो इसमें भी मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया, वन टू थ्री. अच्छा, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें दो लोग थे, इसके ऊपर भी दो लोग. अब ये भी क्या हो गया, पहले होमो था, अभी क्या हो गया, हेट्रो हो गया, क्योंकि इसमें सारा सेम नहीं, एक नाइट्रोजन आ गया तो ये हेट्रो हो गया. तो इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाइरो, ब्लड वाला, है ना. अपने वो हीमोग्लोबिन पड़ा होगा जिसमें ये चार रिंग होती है जो आपस में आयरन के साथ में फ्यूज होती है, इस तरह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एमएससी पढ़ा होगा. अब ये बात करें तो ये क्या है, एक तरह का बेंजीन है, राइट. ये आपका, सॉरी, बेंजीन क्या, बेंजीन पहले था, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया पिरिडीन, पिरिडीन बन गया ये, ऑलराइट. तो ये पाइरोन और पिरिडीन जो है वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. ये मैंने आपको होमो और हेट्रोसाइक्लिक मैंने क्लियर कर दिया. तो आज जो है अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की भी एक अच्छी सिंथेसिस है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और उसका जो नेम है वो है पाल-नोर सिंथेसिस. क्या है, पाल-नोर सिंथेसिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है, एक्चुअली उसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है, पाल नॉर सिंथेसिस. अच्छा, ये इसमें विजिबल तो है क्या, कैमरे के बाहर तो नहीं जा रहा ना. अच्छा, थोड़ा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है. पाल नॉर सिंथेसिस,
इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बहुत ही डीप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पाल्मर सिंथेसिस, देखिए पाल्मर सिंथेसिस जो है ये एक तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, साइकिल डेवलप होती है। पहले जो आप रिएक्टेंट लोगे वो आपका लीनियर होगा और वो लीनियर इस रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। और ये जो है हेट्रोकेमिस्ट्री की है, इसका मतलब वहां पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपका होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका रिएक्शन का अगर कोई टाइप पूछे तो ये टाइप किस टाइप की है, ये साइक्लाइजेशन टाइप की ये है। इसमें जो है आपका साइकिल आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। फिर बात करें कि पाल्मर सिंथेसिस जो नेम है वो किस तरह से, यहाँ का जो रिएक्शन का नेम जो पाल्मर किस तरह से जो है यूज हुआ। देखो अगर पाल्मर के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एक तो साइंटिस्ट था कार्ल पाल, है ना, कार्ल पाल नाम बड़ा प्यारा है ना, कार्ल पाल। और दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो आपके थे लुडविग लुडविग नॉर्म। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे इन ये एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे फ्यूरेन फिर पाइरोल और थायोपिन, इनके जो है सिंथेसिस कर रहे थे। तो इनकी सिंथेसिस के लिए इन्होंने एक रिएक्शन दी थी और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं पाल्मर सिंथेसिस इन 1884 में ये इन्होंने ये रिएक्शन दी थी। अच्छा फिर इनकी जो मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं थी, वो स्पष्ट नहीं की थी। वो स्पष्ट करने वाले जो थे वो थे वेंकट रमन अमरनाथ, वी अमरनाथ, और ये थे 1990 में जो है इसकी जो मैकेनिज्म उन्होंने क्लियर की थी, ठीक है। आज मैकेनिज्म में पढ़ेंगे और इसकी जो नॉर्मल बेसिक रिएक्शन वो भी पढ़ेंगे। तो ये तो जैसे सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये पाल्मर का है वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो किस तरह से इसमें जो है रिएक्ट करता है वगैरह या कौन सा लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अच्छा अब देखो जरा, इसमें जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो आपका होगा 1,4 कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या होगा, 1,4 कार्बोनाइल कंपाउंड, या किसी किसी बुक में आपको 1,4 डाई कीटो कंपाउंड भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का इस रिएक्शन का आइडेंटिकल रिएक्टेंट है, मतलब ये आपको कहीं दिखे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एग्जैक्ट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ वही नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 1 और 4 पे डाई कीटो होना चाहिए, बस ये आइडेंटिफाई कर लो। अगर 1 और 4 पे डाई कीटो है और दूसरा जो मैं अभी रिएक्टेंट बताऊंगा अगर वो है तो समझ जाना कि वहां पे पाल्मर सिंथेसिस रिएक्शन होने वाली है, मतलब वहां पे साइक्लाइजेशन होने वाली है और वहां पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका या तो बनेगा क्या बनेगा, पाइरोल बनेगा, फ्यूरेन बनेगा या थायोफिन बनेगा, ठीक है। चलो मैं वो चीज क्लियर कर लेता हूँ। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का मीनिंग इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कोई सब्स्टिट्यूट ले लेता हूं मैं, ये ले लिया। देखो यहां पे 1 और 1 पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 पे और 4 पे जो है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, आई मीन डाई कार्बोनाइल ग्रुप है, या कह सकते हैं डाई कीटो है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग आप आईयूपीसी के हिसाब से नंबरिंग यहां से करोगे सर, एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 4 नहीं, उनका जो है ना 1,4 पोजीशन होनी चाहिए, वो यहां पे चीज कहेगी। तो 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बिल्कुल ये है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो अगर अपन करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट के साथ, एसिड कैटलिस्ट मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन जो है H प्लस के साथ में अगर करवाते हैं तो अपन को यहां पे जो है फ्यूरेन, यस फ्यूरेन जो है वो एज आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखना ये रिएक्शन
1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड कैटलिस्ट एज एच प्लस प्रोटॉन, मतलब तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, फ्यूरन देखने को मिलेगा। और अगर इसी की रिएक्शन, इसी कंपाउंड की रिएक्शन मैं करवा दूं प्राइमरी 1 डिग्री एमीन के साथ में, है ना, आर एन एच टू प्राइमरी एमीन के साथ में करवा दूं, नाइट्रोजन है ना, तो याद रखना यहां पे है ना नाइट्रोजन आ जाएगा, हेट्रो एटम जो है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। और इसको अभी अपन ने डिस्कस किया था, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं, मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूं, इसमें कोई भी हो सकता है, राइट, मतलब एज अ ग्रुप कोई भी हो सकता है। ये आपका बन जाएगा पाइरोल, पाइरोल बन जाएगा, राइट। और इसी कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो अगर अपन करवा दे पेंटा फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ में, है ना, P2S5 फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड, या इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, मतलब P4S10, बात एक ही है ना, P2S5 का होल्ड वाइज। अगर इसके साथ में करवाया तो यहां पे हेट्रो एटम सल्फर आ जाएगा, और इसको जो है अपन बोलते हैं थायोफिल, क्या बोलते हैं, थायोफिल बोलते हैं। और ये सब्स्टिट्यूट वो ऐसे के ऐसे आर्गन हो गया, आपको क्या जाएगा आर। देखो तो ये सिंपल मैंने रिएक्शन बताई है जो कि पाल कार्ल पाल और लुडविग नॉर साहब जी ने ये दी थी। अब जो है मैं बात करने वाला हूं इनकी मैकेनिज्म के बारे में, जो कि वेंकट रमन अमरनाथ 1990 में इसके बारे में बात की थी, इसकी जो मैकेनिज्म मतलब कि किस तरह से ये रिएक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, फिर कुछ वेरिएशंस है ना, उस वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन वगैरह जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इसके जो जितने भी CSIR में आए हैं, तो इस रिएक्शन को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, ये तो आप आई थिंक अगर आपको लिखना हो तो अच्छे से लिख देना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि ये रिएक्ट किस तरह से करता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपन लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरिन, पहला अपन ले रहे हैं सिंथेसिस फॉर फ्यूरिन, फ्यूरिन के लिए सिंथेसिस करो, ठीक है, वो का वही लेंगे अपन R1, यहां पे कोई दूसरा सब्सटेंस R2, और यहां पे ये आपका आ गया 1,4 डाइकार्बोनाइल या डाइकीटो कंपाउंड। इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ में होती है, प्रोटॉन के साथ में होती है। अब देखो यहां पे है ना, मैं आपको बहुत डीप पढ़ाने का, मतलब आपको जो है पूरा आई नो आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आता भी होगा, लेकिन मैं जो हूं इसको कोशिश करूंगा जीरो से पढ़ाऊं ताकि जो है सभी बच्चों का जो बेनिफिट हो जाए। अब देखो ये प्रोटॉन जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोटॉन के पास में प्लस है तभी प्रोटॉन है। अब प्लस का मतलब है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भाई ये गरीब है तो अमीर के पास में जाएगा, तो अमीर कौन है यहां पर, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन उसके पास में कितने, 2 पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, भाई ले ले 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छे से देखना जरा इसको, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर क्या गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव और आ गया, क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसके ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। मैं वापस लिख दूंगा लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं किस तरह से। और यहां पे ये जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर होकर यहां आ गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें शेयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो ये कोवेलेंट नहीं बनेगा, कोकोवेलेंट बनेगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है इस तरह से इसमें ये हाइड्रोजन जो है इतना बॉन्ड कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस बात वही थी एक तरह की, आई नो आपको ये अच्छे से आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, रख लेते हुए एक्चुअली इसको यहाँ पर जैसे वैसे होगा, इसलिए मैंने इस पर
डिस्कस किया। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये बाइंड हो गए, यहाँ पॉजिटिव आ गया, दो यहाँ पे एक पेयर है ही दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सबसे आपका क्या था आर टू, ठीक है। अच्छा ये आपका हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, बोलेगा कि मेरे ऊपर प्लस आ गया, अब मेरे ऊपर प्लस नहीं आना चाहिए था, तो क्या करेगा, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से लेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस प्लस को सेटिस्फाई कर लेगा, राइट। अब देखो जरा जैसे इसने सेटिस्फाई किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया, और उस लॉस को ये कवर करेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कवर करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो यहां पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा, CH2 है, दो दो हाइड्रोजन यहां पे होंगे, है ना, 1 2, तो CH2 होगा, दो दो हाइड्रोजन होंगे, उसमें एक एक हाइड्रोजन शो किया, ये इन्वॉल्व होने वाला है, तो क्या होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, ये बॉन्ड जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, समझा, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान स्टेप्स कर करके मैं बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप, हाँ अब सुनो जरा, इसको नंबरिंग करो पहले, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है ना, ये जो वन वाला जो है, वन के बाद में जो ऑक्सीजन है वो इससे डायरेक्ट जुड़ रहा है फोर से, तो ऑक्सीजन और फोर के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और ऑक्सीजन और वन के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक ऑक्सीजन शो कर लेता हूं, यहां पर वन, और यहां पे क्या है फोर। अब देखो वन और फोर के बीच में 2 3 है, तो यहां पे 2 और यहां पे 3, क्लियर। और फोर पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है R2, ये 4, ठीक है। अब और फोर पे एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जो कि क्या होगा, देखो प्लस पे इसके जो प्लस ये बॉन्ड इसको सेटिस्फाई कर लेगा, तो ये खाली बच जाएगा OH बच जाएगा, क्लियर। और यहां पे इस हाइड्रोजन ने इसको बॉन्ड दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब ये हाइड्रोजन बाहर निकला था, आप लिख दो -H+, प्रोटॉन वापस बाहर निकल गया, प्रोटॉन जुड़ा, हाइड्रोजनेशन, प्रोटॉन निकला, डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा डीप्रोटोनेशन कह सकते हैं, उसमें H2 होता है एक्चुअली, है ना, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन कह सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो क्या होगा, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है और यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो है इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो जैसे ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हुआ तो H+ की फॉर्म में बन गया, और फिर अगर बात करें, अच्छा ये हाँ एक सेकंड ना, एक स्टेप, सॉरी वेरी वेरी इजीली ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा अब देखो जो ये H+ जो यहां पर एलिमिनेट हो रहा है, अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो है दो लोन पे यू की यू है, और ये जो है H+ आपके बाहर निकल गया है, तो ये ट्रॉली, ये जो केस है, इन दोनों का जो रिएक्शन केस है वो बिल्कुल सेम होगा। यहां पे H+ इस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था, यहां पे भी जो H+ है वो इसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर इस वाले ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट किया, देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस है उसके पास में, ठीक है, और ये जो है थोड़ा फ्री वाला है जिसमें इजीली जो है अटैक हो जाएगा, तो ये क्या करेगा वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह से इसके साथ में ये बाइंड कर लेगा सेम चीज से, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जो पहले आया था प्लस, इस तरह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा वापस प्लस आ जाएगा, और अब कंपाउंड जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा R1 ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और जो ये वाला ऑक्सीजन आया ये, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन बाइंड हुआ इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, और ये आपका क्या है R2, ऐसा जैसा भी डबल बॉन्ड। अब जो है ना, अब इस पॉजिटिव वापस आ गया, इस पॉजिटिव को निकालो, निकालने के क्या करेगा वो अपने जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये जो हाइड्रोजन पड़ा है वो क्या करेगा इसको सेटिस्फाई कर लेगा, इसलिए अब निकलेगा, वहां पे क्या था वहां पर रीजन नहीं था निकलने का, है ना, तो इस तरह से निकलेगा ऐसा। तो अब देखो यहां पर ये प्रोटॉन निकला और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, मतलब यहां पर डिहाइड्रेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों हो रहे हैं, -H+ एंड क्या रहा -H2O हो रहा है। तो अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, R1 यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे आपका R2, ये बॉन्ड था, यहां पे नया डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया,
प्लस एच टू ओ और प्लस आपका एच प्लस, स्टार्टिंग में भी लिया था बाद में भी लिया था, तभी तो इसको बोला था कि यहाँ पे एसिडिक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जो होता है ना उसके किसी प्रकार का केमिकल और फिजिकल चेंज जो है नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में आप लेते हो फाइनल में आपको वो ऐसे कैसे मिल जाते हैं, ये रिएक्शन को रेट को जो है इंक्रीज कर। देखो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया और आई थिंक इसको ही तो अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये बोलते हैं फ्यूलिंग। तो इस तरह से फ्यूलिंग बनता है, वहाँ पे सिंपल पेपर ने ऐसे तरह पढ़ लिया था मैंने आपको इसको, है ना बहुत ही आराम से स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी, इसको क्या बोलते हैं फ्यूल कहते हैं। ठीक है चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा अब बात करते हैं ये देखो ये फ्यूलन हो गया, अब थायोफिन जो है ये तो आई थिंक आपको सुनना आ गया होगा, थायोफिन का भी सेम केस ही होता है। थोड़ा अभी फास्ट करना पड़ेगा, 20 मिनट हो गए हैं, बहुत सारा पढ़ना है अपन को। अच्छा ये पूरा कंप्यूटर आगे समझ में है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरन, फ्यूरन नहीं अभी बात करते हैं थायोफिन, है ना। पायरोल की बात करूंगा, पायरोल का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट अलग है एक्चुअली, थायोफिन का एग्जैक्ट सेम है एक स्टेप को छोड़ के। सिंथेसिस फॉर थायोफिन, थायोफिन का सिंथेसिस करना है, देखो सेम रिएक्शन है उसमें एक्चुअली। देखो अब आप खुद सोचना इसमें दोनों ऑक्सीजन में खाली एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला, आई मीन ये वाला, ये दोनों कोई भी हो सकता है लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा। अगर मान लो इसको ऑक्सीजन को मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, ए वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, ए वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, और बी वाला ऑक्सीजन क्या है, बी वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, बी वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, बी वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, दिख रहा है, और ये बी वाला ऑक्सीजन को बाहर निकल गया, राइट। तो देखो ए वाला जो ऑक्सीजन है ना वो तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा, ए लास्ट तक बना हुआ है, बी वाला चेंज हो रहा है। अब ए बी कोई भी हो सकता है, जस्ट मैं एक लेवल दिया ताकि आपको थायोफिन वाला समझना आ जाए। तो थायोफिन में क्या करना है, इस ऑक्सीजन की जगह क्या लाना है, सल्फर लाना है। तो एक काम करते हैं ना, इस ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर ला देते हैं। तो इसकी एक बार ऐसी रिएक्शन करवाओ कि दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस होकर के किस में चेंज हो जाए, सल्फर में अब चेंज हो जाए। तो इसलिए यहां पर जो मैं रिएक्शन करता हूं बस एक स्टेप अलग है इसका, इसकी पहले रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका जो है वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे सल्फर डाल दो उसको और यहाँ पे ऐसा कैसा जो है ऑक्सीजन रखो और यहाँ पे आपका आर ये बन गया, ठीक है। थायोकिटोन एस जो है वो थायो हो गया, थायोकिटोन, ठीक है। अच्छा अब जो है ना देखो जरा, ये वाला ए जो है और ये वाला क्या है, बी है। अब देखो बी की रिएक्शन तो लास्ट में क्या होगा, बी आपका पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन, और ये सल्फर जो है बाइंड हो जाएगा, सेम चीज है। अगर देखो इसको अगर करे तो देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे ए की जगह मैंने क्या कर दिया, सल्फर डाल दिया है, ए की जगह क्या करना है, सल्फर डालना है, और ऑक्सीजन और सल्फर एक ही तो मेंबर के हैं, सेम रहेंगे इसके आउटमोस्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे तो, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर आ जाएगा, सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म, ठीक है। एक स्टेप अलग दिखा दिया, उसके बाद में ऐसा कर दो, ये बन गया आपका थायोफिन का सिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं, एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नॉलेज होगा ना तो आप क्वेश्चन को हैंडल भी कर पाओगे, अदरवाइज ओनली रिएक्शन करके क्वेश्चन को शायद हैंडल करना मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, ये जस्ट एक तरह का एक कभी होता है ना, रिएक्शन में बहुत सारे रिएजन दे देते साथ में, कभी कभी हो सकता है कि ये जो है एक ओनली आपका सिंगल रिएजन हो, बाकी और अदर रिएजन हो, अगर आप ये आएगा तभी तो आप सेकेंड रिएजन के लिए भी आप उसके लिए ट्राई कर पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए उसका मैकेनिज्म का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब फाइनल बात करते हैं इसके लिए, फाइनल बात करते हैं पायरोल के लिए, है ना। पायरोल का सिंथेसिस किस तरह से होगा, पायरोल का भी सिंथेसिस यूनिक टाइप का है, सिंथेसिस फॉर पायरोल, ठीक है। अच्छा इसको मैं रफ कर लेता हूं, अब अगर मैं पायरोल का सिंथेसिस के बारे में बात करूं, कंपाउंड तो वो का वही है ना, पाल नॉर सिंथेसिस है जो, है ना, काल पाल और लुडविक नॉर, ओके। ये अपन ने कंपाउंड ले लिया है 1,4-dicarbonyl
कम ऑन। अब यहां पे पायरोल का सिंथेसिस करना, मैंने आपको समझाया था पायरोल का सिंथेसिस करने के लिए जो रिएक्शन में रिएजेंट यूज करते हैं है ना, वो क्या, वो अपन क्या लेते हैं, प्राइमरी एमीन, वन डिग्री एमीन लेते हैं। सपोज अपन ने यहाँ पे वन डिग्री एमीन ले लिया आर, अच्छा इसको थ्री दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट अलग सब्स्टिट्यूट सेम ही हो सकते हैं, NH2 ये अपन ले लिया। अब देखो जरा अच्छे समझना जरा इसको, वहां पे H+ था, अपन ने कहा था H+ गरीब है वो अमीर है इसको रिएक्ट कर लेगा। अब यहां पे देखो इसके ऊपर भी लोन पेयर, अब इसके इस सॉरी इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो इस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। तो अब एक काम करो, ये जो ऑक्सीजन है वो आपको सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को है ना अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो इसके ऊपर कह सकते हैं पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव होगा, सिमिलर चीज यहां पे भी होती। मतलब ये जो कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो यहां पे अच्छा ये आर तो रिएक्ट करेगा नहीं है ना, आर की इतनी रिएक्टिविटी होती नहीं। अब नाइट्रोजन ही रिएक्ट करेगा, अब नाइट्रोजन कहां रिएक्ट करेगा, ना ऑक्सीजन पे नहीं करेगा, इस कार्बन पे करेगा, वो कार्बन तो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है, अटैच है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो है ना ये इस पे अटैक कर देगा, ये जो है इस पे अटैक करेगा और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस देखो जैसे इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहां से सेटिस्फाई होगा, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है और वो जो नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किस तरह से मैं आपको समझा देता हूं, देखो होगा क्या, वैसे तो इसको एक स्टेप में करवाते हैं बट आपको मैं थोड़ा और डिटेल से बता देता हूं क्या होगा। आर वन सॉरी डबल बॉन्ड ओ, देखो यहां पर ये आपका R2 तो ऐसा कैसा ही है, यहां पे आपका N H2 और आ गया। अब जो नाइट्रोजन है ना और इसमें एक और ग्रुप तो है R3, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, पिछली बार उसमें प्लस आया था। तो सिंपल सा एक ट्रिक याद करो फॉर्मल चार्ज निकालने का, जो एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उससे एक एक्स्ट्रा बना दिया एक प्लस डाल दो, उससे एक कम बना दिया एक माइनस डाल दो, ये उसका होता है फॉर्मल चार्ज। अब देखो यहां पे जो नाइट्रोजन है उसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बनाता, कितना बेसिकली तीन बनाता है ना। तो अच्छा तीन बनाता है एक एक्स्ट्रा बना दिया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। अब ये बॉन्ड यहां पे मार्केट हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जो है ना सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड टू लोन पेयर। अब ऑक्सीजन दो बनाता है एक बनाया एक कम बनाया, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या नेगेटिव, दोनों अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव यहां पे कहेगा कि मेरे को पॉजिटिव नहीं मेरे को न्यूट्रल करो, तो बेचारा हाइड्रोजन जो है वो सबको न्यूट्रल वगैरह करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये तो हो गया न्यूट्रल, नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में निकलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है, मतलब कौन सी फॉर्म में निकल रहा है, प्लस की फॉर्म, और वो प्लस जो है इसको मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा थोड़ी, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो रिच हो गया ऑक्सीजन वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास में होने चाहिए उतने हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आर वन ओ, और इस तरह देखो जरा ये ओ एच बन गया, ऑलराइट समझ में आ गया होगा आई थिंक। और ये एन अदो एक एच गया, हाँ एक एच गया, और यहाँ पे आर टू सॉरी आर थ्री, और यहाँ पे जो आर टू जुड़ा हुआ है वो यू का यू ही है, ठीक है। यहाँ पे एच लिख देता हूँ ऐसा कैसे, सो हम आ गए। और इस नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाए बिल्कुल इसको पढ़ क्या होंगे, दो लोन पेयर रहेंगे है ना इस तरह से। अब देखो जरा अब फिर क्या होगा, जैसे अपन ने फ्यूरेन में बात की थी ऑक्सीजन वापस जो H+ इसके ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया था, फिर यहां पे अटैक किया था, यहां पे भी सेम चीज होगी। अब ये जो वापस लोन पेयर है ना वापस अटैक करेंगे जहां जैसे यहां पे अटैक किए थे, अब देखो जरा अब यहां पे तो OH आ गया राइट। अब जो है इलेक्ट्रॉन रिच यहां पर है,
तो वापस सिमिलर चीज यहां पे पॉजिटिव यहां तो सॉरी यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियली यहां पे पार्शियली पॉजिटिव और जहां पार्शियली पॉजिटिव वहां पे इलेक्ट्रॉन भी चीज किसी चीज में नाइट्रोजन के लोन दे रहा है नाइट्रोजन के लोन के लिए यहां से बाइंड हो जाएंगे राइट। अच्छा बाइंड होंगे तो ये वापस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ये वापस ट्रांसफर होगा माइनस आएगा ये बाइंड होगा तो कितने मोमेंट बनाए चार वापस बना देगा तो वापस ये जो हाइड्रोजन इसको ये दे देगा और ये हाइड्रोजन जो है वो सीधा इससे एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना। ये वापस चीज रिपीट होगी देखो एक्चुअली ये डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं लेकिन जस्ट ये बना आपको बताया है तो अब देखो वापस रिपीट होगी। अब इसको अच्छे से समझो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली करना वरना बहुत लेंथ हो जाएगा वीडियो ऑलरेडी हो गया। तो अब देखो जरा आप समझने जरा इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 नाइट्रोजन एक वन से बाइंड हो रहा है और नाइट्रोजन फोर से भी बाइंड है ये मैंने लिख दिया नाइट्रोजन यहाँ लिख दो वन यहाँ लिख दो फोर और वन और फोर के बीच में क्या है टू और थ्री ये टू और थ्री सबको फटाक से लाइन से मिला दो ऐसा क्लियर ये हमने मिला दिया राइट। अच्छा अब फोर पे क्या क्या बाइंड है फोर पे एक तो OH बाइंड है इसको बाद में फोर पे एक OH बाइंड है फोर पे क्या बाइंड है फोर पे एक बाइंड है R2 बस ये फोर और नाइट्रोजन से क्या बाइंड है नाइट्रोजन से बाइंड है आपका R3 वन से क्या बाइंड है वन से आपका बाइंड है R1 क्लियर बस इतने बाइंड है। अच्छा वन पे और है ना वन पे ये ऑक्सीजन है ये ओ और इसने हाइड्रोजन दिया तो यहाँ पे ओ एच ये बाइंड है भले यहाँ पे ओ एच आ गया यहाँ पे आर वन आर टू जो सब्स्टिट्यूशन आपने लिए थे है ना स्टार्टिंग रिएक्टेंट में और ये आपका आपका आर थ्री आ गया। अब ये तीन बॉन्ड है इसके लोन दे दिए क्लियर। अच्छा अब क्या होगा कि जो ओ एच है यहां पर जो ओ एच है डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी यहां पर और ये OH जो है इन द फॉर्म ऑफ एच टू ओ की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे इस तरह से दूसरा क्या होगा आपको सबको पता है यहां पर जो है ना दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे यहां पे और यहां पे भी राइट। अब देखो जरा यहां पे क्या होगा एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये जो है OH माइनस ये एच प्लस यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ये H2 बन गया इसी तरह से यहां पे सेम चीज होगा H प्लस OH माइनस यहां पे डिहाइड्रेशन होगा माइनस टू H2 दो H2 आपके क्या हो गए बाहर आ गए और यहां पे है ना एक H2 ने यहां डबल बॉन्ड फॉर्म किया दूसरे H2 ने वहां डबल बॉन्ड फॉर्म किया वन और थ्री के बीच में वन और टू के बीच में राइट। तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहां पे आपका R1 यहां पे आपका R2 और नाइट्रोजन वाला लिया था यहां पे R3 और यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड फाइनल और इसको अपन क्या बोलते हैं पाइरोल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पाइरोल यही तो होता है पाइरोल सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल। अगर वहां पे अपन ने ओनली NH3 लिया होता हाइड्रोजन वाला तो यहां पे हाइड्रोजन वाला था पाइरोल वाला ये सब्स्टिट्यूट पाइरोल है। तो इस वजह से पाइरोल का सिंथेसिस भी मैंने आपको बहुत जीरो लेवल पे 11th लेवल पे पढ़ाया मैंने राइट। इस तरह से जो है पायरोल का सिंथेसिस भी अपन देख सकते हैं ठीक है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है सही है ठीक है। अच्छा तो ये जो है आपका पायरोल का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में वेरिएशन है ना वहां से भी है अपन पालमर सिंथेसिस को जो है समझ सकते हैं ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैं रफ कर लेता हूं वेरिएशन कुछ ऐसे कंपाउंड जो पाल्मर सिंथेसिस से या कह सकते हैं पाल्मर सिंथेसिस का यूज करते हुए जो है वो एज अ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब उसमें जो है मैं फर्स्ट ले रहा हूं यहां पे बीटा इपॉक्सी कंपाउंड बीटा इपॉक्सी कंपाउंड देखो बीटा इपॉक्सी कंपाउंड का मतलब क्या अल्फा बीटा जो बात करते हैं टॉबुलर कंपाउंड के थ्रू जो अल्फा बीटा है आपने 12th में पढ़ा होगा या जो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा बीटा क्या होता है जो कार्बोनाइल
ग्रुप का कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, इस तरह से वहां पे जो है अल्फा बीटा गामा, इस तरह से वहां पे जो है नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईएमपीएस। देखो यहाँ पे वापस मैं वही कंपाउंड ले रहा हूँ, सपोज आर1 या समथिंग, जैसे कुछ भी मान लो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लेते, जैसे ऐसे जो है कोई भी ग्रुप यहाँ पे बाइंड होगा। अच्छा अब समझना इस चीज को, ये आपका जो है कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन अल्फा एंड बीटा। अब यहां पे जो है मान लो क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को इपॉक्सी, मतलब इसका इपॉक्सीडेशन होता है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, इपॉक्सी बन जाएगा। बताइए समझ में। तो ये जो है इसका अगर मैं बात करूं इपॉक्सीडेशन, तो ये कुछ किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ये आपका इसका अगर इपॉक्सीडेशन करवाते हैं अपन बीटा इपॉक्सी वाला, तो देखो इस तरह से ये आपका इपॉक्सी हो जाएगा। और जब इसका इपॉक्सीडेशन करवा दिया और इसका जब हम करवाते हैं साइक्लाइजेशन, जब इसका साइक्लाइजेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिवाइस एसिड और बेस, तब इसका साइक्लाइजेशन होकर के आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या मिलता है, फ्यूरेन। फ्यूरेन जो है वो आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट यहां पे देखने को मिलता है। तो ये एक तरह की वेरिएशन है आपको हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इस रिएक्शन के बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं बीटा इपॉक्सी कंपाउंड वेरिएशन। ठीक है, एक और वेरिएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो वो वेरिएशन क्या है ये मैं मिटा देता हूं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। वो वेरिएशन क्या है, वो है आपके एक कंपाउंड था, पहले कंपाउंड में ड्रॉ कर लेता हूं कंपाउंड आपका बेसिकली था, यहां पे OH था, यहां पे OH था, और यहां पे जो है ना ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से। यहां पे अगर बात करें तो 1, 2, 3 और 4, 1 और 4 पे क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या जाएगा, 1,4-diol-2-I, 1,4-diol-2-I कंपाउंड। अगर 1,4-diol है, देखो मैं आईबीसी नॉर्मल किचन नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, मैं जैसे एक तरह का स्केलेटन बता रहा हूं कंपाउंड का। अगर 1 और 4 पे डाईऑल है और 2 पे आई है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें भी अपन को वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब कैसे देखो समझा जरा, इसका जो है अगर इसको अपन अरेंज करें, अरेंज कैसे करें देखो जरा मैं आपको समझाता हूं। इसमें अगर आपको, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, जैसे यहां पे जो है क्या है, यहां पे आपका होगा सी, यहां पे भी आपका होगा सिंगल कार्बन इस तरह से, राइट। और वहां पे जो है अपन ने पढ़ा था 1,4-dicarbonyl कंपाउंड या 1,4-diketo कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पर जब इसकी इसका अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे इस तरह से देखो जरा, ये बॉन्ड जब यहां पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड जब यहां माइग्रेट होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, अच्छा यहां पे क्या है, यहां पे एक कार्बन है और उस कार्बन के पास में क्या है, एक हाइड्रोजन। अच्छा उस कार्बन के पास में क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं, डबल बॉन्ड के साथ था नहीं इस तरह से, सॉरी सिंगल बॉन्ड के साथ में एक एक हाइड्रोजन है इसके पास में। समझना जरा, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझना। तो जैसे ही यहां पर ट्रांसफर हुआ, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ बॉन्ड हो गया, तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके भी दोनों हाइड्रोजन जो है, यहां पे जो हाइड्रोजन है ये वो आपके इससे अटैच हो जाएंगे, है ना, हाइड्रोजनेशन वाला
लेकिन इस कंपाउंड में रिअरेंज हो जाएगी और इस तरह से जो है आपको यहां पर जो है डबल बॉन्ड O और यहां पर देखो ये दोनों हाइड्रोजन बाइंड हो गए तो यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O देखो ये आपको मिल गया। अब आपको पता ही है इस तरह से ये जो कंपाउंड है आप कैसे कैसे समझ सकते हो और इस कंपाउंड का जो है आप अलग अलग से जो भी अपने स्टार्टिंग में रिएक्शन कर रहे थे ये क्या ये वापस बन गया ना 1,4 वाला है ना 1,4 डाइकीटो कार्बोनाइल देखो तो 1,4 डाइकीटो कार्बोनाइल वापस बन गया। अब इससे जो है अपन हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं और कभी कभी इसका अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो इसका जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा दें इंटरप्रेजेंस ऑफ पैलेडियम राइट तो आपको ये मिल जाएगा एक हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर देखो ये हाइड्रोजन यहां पर तो इस तरह से ये आपका जो है इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। इसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे ये जो अरेंज हो गया आपस में है ना ठीक है तो ये चीज जो है ना वो यहां पर अपन को देखने को मिलती है। तो ये तो था वो आपका था पालनोर सिंथेसिस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही लो लेवल से बात की ताकि सब बच्चों को इसलिए समझ में आए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे या आपका जो भी क्वेश्चन डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या अदर भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ठीक है। और अभी जो है ना नाइट के कितने बज रहे 4 बज रहे हैं। एक्चुअली डे में क्या होता है यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इतना सारा एनवायरमेंट में वॉइस पॉल्यूशन है कि मैं डे में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो मैं नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं जो भी डाउट है आप डाउट जो है पोस्ट करना हो ना मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑलराइट नाइट। Oh.